नमस्कार, मैं आपके साथ वर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जनपद सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक उप महानिरीक्षक अमरिंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस विभाग सक्रिय नजर आ रही है। एसओजी सर्विलेंस प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशन पर लगातार छापेमारी और टेक्निकल आधार पर अधिकतर मामलों का खुलासा किया है। इसी क्रम में एसओजी सर्विलेंस टीम के साथ साथ चौपन पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर होंडा सिटी कार से लगभग 2 क्विंटल अवैध गांजे की बरामदगी की गई। अभियुक्त मादक पदार्थ उड़ीसा से लाकर जनपद गाजीपुर में अधिक मूल्यों पर बेचते थे। पकड़े गए आरोपियों में 2 सोनभद्र और 2 गाजीपुर जनपद के रहने वाले आरोपी हैं। पकड़े गए गांजे की कीमत कितने रुपए है ये हम जानते हैं अमरिंद्र प्रताप सिंह, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं, डीआईजी हैं, उनसे जानते हैं कि इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कितनी है और इसकी जो तस्करी है वो किस रूप से की जा रही थी। कारी नगर श्री राजकुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में एक बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है और कल थाना चौपन की पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच एसओजी और स्वाट की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई में एक कार से 1 क्विंटल 90 किलोग्राम गांजा के साथ 4 अपराधियों को पकड़ा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस मीटिंग बुलाई गई है। जो 4 अपराधी पकड़े गए हैं, इनके नाम अरुण कुमार सिंह पुत्र सजदानंद निवासी पटौरा कासमाबाद, सुभाष कुमार मौर्य पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी आमडी थाना रोड। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आगे की विवेचना जारी है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।